देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा थर्ड है, सैंड इज पोरिंग, क्या है? देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारा, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्या दिया है? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड, मतलब जब पाइप में से सैंड गिरेगा तो किस शेप में आएगा, वो कोन शेप में आ जाएगा। इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6। जो हाइट होगी कोन की वो रेडियस की 1/6 होगी, ठीक है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज व्हेन हाइट इज 4। तो 4 सेंटीमीटर अगर हाइट हो तो हाइट किस रेशियो में हमारा इंक्रीज करेगा, यही आपको बताना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप एकदम समझ जाएंगे, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं, आसानी से। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, वॉल्यूम है तो पाइप वॉल्यूम का निकालना होगा। तो 1/3 क्योंकि कौन शेप में आ रहा है तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, समझे ना। ये हमने ऐसे लिया पहले, आर मान लिए तो बी इक्वल होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या बता दिया कि जो रेडियस है वो रेडियस नहीं बल्कि हाइट जो है हमारा वो रेडियस का 1/6 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 6h होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसमें बताया है कि जो वॉल्यूम है तो मतलब dv अपान जो dt है वो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 12 दिया है, और इक्वल टू कितना होगा d अपान dt, और यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू आपको रखना है 1/3 पाई, और r की जगह आपको लेना है कितना, 6h का स्क्वायर इंटू एच, और ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इसको आपको और सॉल्व कर लेना है तो आपका जो dv, यहाँ अब dv मतलब यहाँ 12 इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, तो आपका जो वैल्यू बचेगा वो सीधा सीधा हो जाएगा कितना, 1/d/dt, और ये हो गया कितना, 1/3 पाई, और यहाँ से हो गया 36 h³, ठीक है, ये इतना हो गया। और इसमें आपको हो जाएगा मल्टीप्लाई अगर तो ये इससे कट के कितना हो गया, 12 हो जाएगा, यही ना, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये वाला। तो उसके बाद अब देखिएगा, अब इसके बाद आपका कितना हो गया, 12 होने पर हो गया 12 इक्वल टू d/dt, और हमारे पास बच गया कितना, तो 12 πh³। इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी तो 12 इक्वल टू हो जाएगी कितनी, 12π × 3 ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे हो गया कितना, 12π × 3h, और यहाँ होगा dh/dt, ठीक है। तो हम लोग का जो वैल्यू होगा 12 से 12 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यही ना, अगर हम लोग देखें तो 12 से 12 कट जाना चाहिए। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी आपकी, तो dh/dt जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/ हो जाएगी आपकी 3πh, यही ना होगी। तो आप देखिएगा, आपको समझ आ रहा है नहीं, ध्यान से देख लीजिए तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तब तक मैं देख लूँ कि क्या दिख रहा है, कहीं से कट तो देख लीजिए, ठीक है, कट नहीं रहा ना, ठीक है, क्योंकि किनारे नीचे चला गया तो देखना पड़ता है। तो देखिएगा इतना हो गया,
तो जब हम लोग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट 12 है, डी बाई डी टी है और 12 पाई एच क्यूब है, और इसका डिफ्रेंशिएटन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये एच है टाइम तो है नहीं, 12 वैसे बाहर वाला, इधर 12 पाई और यहाँ देखिए 3 आ गया। अच्छा यहाँ देखिए छोटा है, यहाँ कितना होगा एच स्क्वायर होगा और ये इतना हो गया, अब यहाँ एच स्क्वायर का वैल्यू अगर रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/3। और यहाँ एच की वैल्यू कितनी है आपके क्वेश्चन में दिया, देखिए ये है 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 / 48 48 पाई, यही आंसर हो जाएगा आपका कि 48 पाई, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने देखा कि कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप क्वेश्चन को समझ सकते। करना क्या था बस देखिएगा, करना यह था कि वॉल्यूम पहले लिखना है कोन का, फिर क्वेश्चन में दिया है कि जो हाइट होगी रेडियस की 1/6, तो रेडियस 6h हो जाएगा, तो इस वॉल्यूम से रेडियस हटाएंगे तो ये आपका हो गया इतना। फिर उसके बाद क्या किया, इसमें कट गया तो 12 पाई एच क्यूब हो गया, डिफ्रेंशिएट कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ से, तो आपका 12 पाई 3h स्क्वायर हो गया, 12 से 12 कट गया, बचा इतना 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 / 48 और इतना रख देंगे, और यहाँ कितना हो गया dh, यही हमारी हाइट का जो रेशियो है ये इस रिस्पेक्ट में, रेडियस 4, अगर हमारा h की वैल्यू 4 है तो इस रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे में कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग समझ सकते हैं कैसे किया जाता है या कैसे करना है, दोनों बात है। ठीक है ना, तो आइए आगे बढ़ते हैं।